हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंगिंग लाइफ। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ सभी की फेवरेट ढाबा स्टाइल गोभी मसाला की रेसिपी। आज की रेसिपी बहुत ही इजी है और खाने में उतनी ही यम्मी है। तो गोभी मसाला बनाने के लिए सबसे पहले ली है मैंने ये गोभी। गोभी को टुकड़ों में कट कर लिया है और उबलते हुए पानी में नमक और हल्दी डालकर मैंने गोभी को 2 मिनट रख के उसको साफ़ कर लिया है। गोभी को कभी सीधा हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। कुछ मैंने टमाटर काटे हैं, थोड़े से काजू, मगज बीज और एक हरी मिर्च ली है और थोड़े से प्याज को मैंने बारीक कट कर लिया है। और सबसे पहले मैं लेंगे कढ़ाई और इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल और इसमें डालेंगे ये उबली हुई गोभी। इसमें हमें गोभी को फ्राई करना है। गोभी जब तक फ्राई होती है हम मसाला तैयार करते हैं। तो मैंने लिए हैं ये टमाटर, मिर्ची और काजू और बीज को जो लिया है इसका हम एक पेस्ट बना लेंगे। ये लीजिए, टमाटर और काजू का पेस्ट बनके रेडी है। अब गोभी को चेक करते हैं और गोभी हमारी देखिए लाइट ब्राउन हो चुकी है, यानी फ्राई हो चुकी है। तो अब गोभी को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब उसी कढ़ाई में मैं डालूंगी फिर से 2 बड़े चम्मच तेल। और जब तेल गरम हो जाएगा तो इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 4 से 5 लौंग और काले मिर्च, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 2 तेज पत्ते। और अब इसमें मैं डाल दूंगी ये कटे हुए प्याज। अब इसमें डालेंगे मसाले। तो मैंने डाला है 3/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच इसमें धनिया पाउडर और नमक इसमें डालेंगे हम स्वाद के अनुसार। सभी मसालों को प्याज के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और इनको हम 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। प्याज भी अच्छे से पकना चाहिए और मसाले भी अच्छे से हमारे पकने चाहिए। ये देखिए 3 मिनट हो चुके हैं और हमारा मसाला पक चुका है। तो इसमें मैं डाल दूंगी ये पीसे हुए टमाटर और काजू का पेस्ट। अच्छे से इसे इसमें मिक्स कर देंगे और इसे भी हम 3 से 4 मिनट तक ऑयल सेपरेट होने तक पकने देंगे। और ये देखिए ऑयल सेपरेट हो चुका है, हमारी ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है। तो इसमें मैं डाल दूंगी 2 चुटकी गरम मसाला, थोड़ी सी कसूरी मेथी हाथों से क्रश करते हुए इसमें डालेंगे। इनको भी इस मसाले में अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब इसमें डाल देंगे ये हमारी फ्राइड गोभी। गोभी को ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर देना है और ये लीजिए हमारी जो मसाला गोभी है वो बन करके रेडी है। इस तरह से आप घर पे जो गोभी बनाएंगे तो बच्चे से लगाकर बूढ़े भी बड़े मज़े से इस गोभी को खाएंगे। गोभी मसालों में अच्छे से मिक्स हो गई है और ये लीजिए गोभी बनके रेडी है। तो गाइस कैसे लगी आप सबको मेरी आज की ये ढाबा स्टाइल गोभी मसाला की रेसिपी? अगर आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास ही के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही कुछ खास रेसिपीज़ के साथ।